हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि और एक्सपीरियंस वीडियो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा एक्सपीरियंस वीडियो 31 है और इस वीडियो में हम आज बताने वाले हैं आज का अनुभव जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका हमने पूरा जो है एनालिसिस किया और उनकी जो जानकारी आपको हेल्पफुल होने वाली, सिर्फ उसी बातों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, जितने भी आसनसोल वाले या हावड़ा वाले जितने भी सेंटर्स पे जिन जिन स्टूडेंट्स का ग्रुप सी में सेंटर गया है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा किस प्रकार आपको ट्रेड सेंटर पे पहुंचना है, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या आपको करना है, हम सब कुछ चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, आरपीएफ एनसीलरी टेस्ट के बारे में हम पूरा अपडेट जो है लाइव जो है वो आपको यहाँ पर अनुभव बताते भी हैं और आपको दिखाने भी वाले हैं, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं ये बता दूँ कि आपको जो आपका सेंटर है, जी हाँ दोस्तों, आपका जो सेंटर है एग्ज़ाम का जो भी है, चाहे वो हावड़ा हो चाहे आसनसोल हो, दोनों ही सेंटर के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपको कम से कम एक दिन पहले, जी हाँ दोस्तों, अगर आपका 17 तारीख को है सितंबर को, तो आप जो है 16 सितंबर को ही अपने वेन्यू पे पहुँच जाइए। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जो 400-500 स्टूडेंट्स आते हैं पर डे, और उसमें से सिर्फ पता है आपको 6-7-8 लोग ही सेलेक्ट होते हैं, तो ये जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं ये हमने उनका अनुभव लिया है और उनका जो अनुभव है वही हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो ये क्या होता है कि जब हम एक दिन पहले सेंटर पे पहुंच जाते हैं, जैसे कि 17 को आपका पेपर है, मतलब ट्रेड टेस्ट है, और आप अगर 16 को पहुंच जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको ये आपका जो माइंड है वो सेट हो चुका है कि आप ऑलरेडी अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पास में हैं और आपको सिर्फ सुबह उठना है और जाना है। और जो स्टूडेंट्स काफ़ी दूर से आते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत ये होती है कि उनका माइंड और उनकी बॉडी दोनों थक जाती है, क्योंकि लंबा सफ़र तय करके आते हैं, उन्हें लगता है कि 4-3 बजे रात को हम आसानी से उतर जाएंगे स्टेशन पे, और उसके बाद जो है 5:30-6 बजे से हम अपने ट्रेड टेस्ट के लिए चले जाएँगे। तो इससे क्या होता है कि आप पूरा दिन सफ़र करके आते हैं और आपके बॉडी और आपका मेंटल जो आपका दिमाग होता है वो टोटली जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका रहता है, काफ़ी परेशान हो चुके हैं। आप सफ़र करके आ रहे हैं, नए लोगों से मिल के आते हैं ट्रेन वगैरह, तो काफ़ी जो है थकान महसूस होती है। जब थकान महसूस होती है तो हम जो है थोड़ा नर्वस होते हैं। नर्वस इसलिए होते हैं क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है, आपका जो करियर है, वो इसी डिपेंड करता है कि अगर आप ट्रेड टेस्ट में पास होते हैं तब जाके आप आगे वाले स्टेप में पहुँचेंगे, यानी कि आपको ये जॉब तभी लगेगी जब आप इस टेस्ट को पास करेंगे। तो ये सब काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मन में चलती रहती है, और ये सारी चीज़ें जो है हमने जो है सेलेक्टेड स्टूडेंट से पूछी। उन्होंने हमें यही बताया कि सर, हमने क्या किया कि ऑलरेडी एक दिन पहले हम अपने सेंटर पे पहुंच गए, वहाँ पे हमने रेंट पे रूम लिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, कोई भी सेंटर हो जो आपको 400 से नीचे, जी हाँ दोस्तों, 400 रुपये से नीचे आपको जो है आसानी से रूम मिल जाएगा, यानी कि अगर आपके पास 200 से 250 रुपये आप खर्च करते हैं एक दिन का, तो आपको जो है आसानी से रूम मिल जाएगा स्टे करने के लिए। और स्टे करने की सबसे बड़ी बात ये बता दूँ, चाहे आप हावड़ा में हो चाहे आसनसोल में जा रहे हैं, वहाँ पर आपको जो है आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है ब्लैक बोर्ड बनाकर एक दफ्ती पर लिख के लिखा जाता है कि RPF वाले स्टूडेंट्स को रूम दिया जाएगा। इस प्रकार का जो है वहाँ पे घर घर पे जो भी देने में इच्छुक हैं वो सभी लोग अपने घर पे, लॉज पे, होटल्स के बाहर लगा के रखे हुए हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, पेपर वर्क कुछ नहीं होने वाला, आप इजीली जाके स्टे कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी पहुँचने की बात। अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स के। डॉक्यूमेंट्स में आपको एडमिट कार्ड लेना ज़रूरी है, ये तो आपको पता है। दूसरा, आपको 10वीं 12वीं का जो सर्टिफिकेट है वो अपने साथ ले लीजिए दोस्तों। तीसरी चीज़ है आपकी जाति प्रमाण पत्र, यानी कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट में SC ST OBC, ये तीनों सर्टिफिकेट जो हैं आपका, जो जो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका लेटेस्ट का। जी हाँ दोस्तों, OBC में आपको पता है वहाँ पे एक्सपायरी डेट होती है, आप वो चेक कर लीजिएगा आपका एक्सपायरी डेट ना हो। और SC ST वालों के लिए ये है कि आप अपना सर्टिफिकेट देख लीजिए जो है सेंट्रल फॉर्मेट में है या नहीं है, अगर सेंट्रल फॉर्मेट में नहीं है तो उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। जी हाँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अभी फ़िलहाल के लिए, बट आपको फाइनल में जो है सेंट्रल का ही फॉर्मेट देना होगा। तो आप सेंट्रल फॉर्मेट जो है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जब नोटिफिकेशन जारी हुई थी 798 पोस्ट की, तब हुई उसी में जो है फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से प्रिंट ले सकते हैं या जो है टाइपिंग करवा के उसके फॉर्मेट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। तो ये हो गए आपकी जाति प्रमाण पत्र। इसके अब बात करते हैं फ़ोटो को। जी हाँ दोस्तों, फ़ोटो आपको रिसेंट की खिंचवानी है, 2 पासपोर्ट टाइप फ़ोटो खिंचवा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, कलर में खिंचवाना, ब्लैक एंड वाइट में बिल्कुल मत। का 1-2 स्टूडेंट ने ऐसा किया था जिनकी वजह से उनको बाहर करना पड़ा, ब्लैक एंड वाइट माने नहीं होता, तो आप कलर में ही फ़ोटो लेके जाइए। अब ये हो गई, अब वहाँ पे आप जब ट्रेड टेस्ट सेंटर पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा सा हॉल है, कभी कभी मैदान में बैठा दिया जाता है। तो आपको जैसा भी जैसी जैसी सुविधा आपको मिलेगी
तो फिर आपको जो है बांट दिया जाएगा बैच वाइज में, क्योंकि 400-500 लोगों का एक साथ टेस्ट होने वाला नहीं। और ये बैच होगी आपकी 20, 15, 14, जी हाँ ये तीन कैटेगरी है, इसी कैटेगरी में आपका जो है बैच डिवाइड किया जाएगा और सबको नाम दिया जाता है। वन में 20 रहेंगे तो दूसरे में जो भी रहेंगे 20 रहे चाहे 15 रहे चाहे 14 रहे, इसी प्रकार सबको अपना बैच नंबर याद होना होगा ना चाहिए, बैच नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आपको दिया जाएगा। अब हो जाता है ये, अब होगा आपका पहला राउंड। फर्स्ट राउंड क्या हो रहा है दोस्तों, आपको जो है स्पाइसेस के नाम पूछे जा रहे हैं, जी हाँ मसालों के नाम, तो आपको मसालों के नाम पता होना चाहिए। हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, हमने 80 प्रकार के मसाले भारत में पाए जाते हैं सभी का जो है आपको बना दिया है और वो वीडियो काफ़ी वायरल भी है हमारा, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि टोटल जितने भी 80 मसाले हैं कैसे दिखते हैं, क्या क्या नाम है उनका। स्टैंडर्ड नाम होता है दोस्तों, आपके लोकल में क्या कहते हैं वो मायने नहीं रखता, स्टैंडर्ड नाम क्या है मतलब किस नाम से बुलाया जाएगा और क्या नाम आपको बताएंगे तो आपका राइट होगा, तो वो सब कुछ हमने उस वीडियो में बताया, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो ये हो गया आपके मसालों के नाम। सब्जियों के नाम, जी हाँ दोस्तों सब्जियों के भी नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि सब्जियों के नाम भी बहुत पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों मैं आज आपको दूसरे ट्रेड के बारे में भी बताने वाला हूँ, वाटर कैरियर के बारे में मैंने काफ़ी बताया है, आज मैं आपको दूसरे वॉशरमैन के बारे में, गार्डनर के बारे में भी थोड़ा थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा। गार्डनर के बारे में चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा जानकारी आपको ब्रीफ में कि गार्डनर में क्या होता है, आपको खाद का नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, वो पूछा जा रहा है। जी हाँ कंपोस्ट के बारे में आप कितना जानते हैं, खाद कौन से प्रकार की होती है, कैसे कैसे होती है, आपको कितना पौधों में पानी डालना चाहिए, पौधों को कैसे काटना चाहिए, काटनी छटनी और गार्डन की सफाई करना, सूखे पत्ते उठाना, सूखे पत्तों का कैसे उसको रिसाइकल करेंगे, कैसे उसको यूज़ करेंगे जला के खाद बना के, तो ये सारी चीज़ें जो है आपसे पूछी जाएंगी। और कौन से पौधे में कितना पानी लगता है, कौन से सीजन में पानी लगता है, कौन से पानी में सीजन में पानी नहीं लगता, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यही सब चीज़ें जो है गार्डन में आपसे पूछी जाने वाली। गार्डन में ज़्यादा टफ तो नहीं है बट दोस्तों काफ़ी टफ ये हो जाता है जब आपको कंपोस्ट के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि खाद को लेके काफ़ी लोग जो है इतना नॉलेजेबल नहीं है, तो इसके लिए आप खाद के बारे में पढ़ लीजिएगा दोस्तों। हम अपने आने वाले समय में जो है आपको कंपोस्ट के बारे में जो है पूरा एक अच्छा से वीडियो बना के बताने वाला है कि किस प्रकार की खाद पाई जाती है, कैसे कैसे आपको गार्डन में पेड़ पौधे लगाना होगा, किस प्रकार आपको अरेंज करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि गार्डन की सुंदरता जो होता है माली के हाथ में होती है। जी हाँ दोस्तों, तो जो माली होता है उसे ही पूरा पौधे वौधे सूचना पड़ता है, उसे साफ़ सफाई रखनी होती है, यही सब काम आपको गार्डनर में किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं नाई के बारे में, तो नाई के बारे में मैंने आपको बताया था, जी हाँ दोस्तों बार्बर के बारे में, सारे टूल्स आपको लेके जाना है खुद से और वो टूल्स आपके जो है A1 क्लास के होने चाहिए। A1 क्लास के लिए इसलिए क्योंकि आप जितनी अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी कि आप लोकल कैंची इस्तेमाल करते तो वहाँ पर अगर आपको काटने को बाल दिया गया और आपने जो है कैंची अटक गई आपकी या फिर कुछ समथिंग हो गया हैपन हो गया, क्योंकि आपको पता है लोकल चीज़ें कभी कभी धोखा दे देती हैं, इसलिए सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए, एक बार एक महंगी चीज़ ले लीजिएगा, महंगी कैंची अच्छी से ले लीजिए, उस तरह ले लीजिएगा और अच्छे से उसी साथ प्रैक्टिस कीजिए और वही लेकर जाके आपको ट्रेड टेस्ट सेंटर में जाना है, क्योंकि आप अगर डिफरेंट चेंज करते हैं ऑन द डे सोच रहे हैं कि आप नया कुछ खरीद लेंगे तो नया खरीद के लेके जाएंगे तो आपका हाथ जो बैठा होता है एक चीज़ पर वो नहीं होगा, तो वो ग्रिप नहीं मिलेगी, वो आपके अंदर जो मन का कॉन्शियस होता है वो चीज़ पता होगी कि ये वो चीज़ नहीं है जिससे मैं रोज़ प्रैक्टिस करता था। इसलिए जिससे भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जो भी टूल्स आप इस्तेमाल करेंगे बार्बर वाले, वही टूल्स आपको लेके जाना है ताकि आपका जो है मन जो है कॉन्शियस रहे और आप आसानी से जो है प्रैक्टिस की तरह जैसे रोज करते हैं उसी तरह उस दिन भी कर लीजिए। वाटर कैरियर की बात कर लें तो वाटर कैरियर में आपको बनाना क्या क्या है वो सब मैं आज आइटम्स बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहली आइटम आपको आटा सानने आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों आटा कैसे गूंदा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। आपको इसमें कितना समय दिया जाएगा, 1 मिनट और 100 ग्राम आटा दिया जाएगा। इसको आपको रोटी बनाने योग्य, जी हाँ यहाँ पे गूंदने का अर्थ ये होता है कि रोटी बनाने योग्य, यानी जो आप गूंद के देंगे उससे रोटी बन सकती है या नहीं, बस ये चेक करेगा एग्जामिनर। नंबर 2 पे आपको काम दिया जाएगा रोटी बना के दिखाओ। तो रोटी कैसे बनाते हैं ये आपको पता ही होगा और उसमें क्या नहीं करना है मैं वो बता दूँ। रोटी मोटी नहीं होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए और कहीं से टूटी नहीं होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें अगर आप ध्यान रख लेंगे दोस्तों तो आपका जो है रोटी का एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को ये चीज़ें मैं इसलिए बारीकी से बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं जो बार बार इस चीज़ें भूल जाते हैं बनाते समय, जब फिर एक्साइटेड होते हैं या फिर नर्वस होते हैं समटाइम्स ऐसा हैपन होता है। बट आप जितनी चीज़ें अनुभव से सीखते हैं दोस्तों उसको सीख लीजिए, क्योंकि अनुभव से ज़्यादा ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आप रोटी के बारे में जान गए कि रोटी टूटनी नहीं चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए और कहीं भी जो है कच्ची नहीं होनी चाहिए। अब हो जाएगा हम तीसरी चीज़ बताते हैं आपको, ऑमलेट। तो ऑमलेट बनाने का भी आपको पता है काफ़ी आसान चीज़ है लेकिन इसमें भी कुछ गड़बड़े हो जाते हैं। इसमें क्या क्या डाला जाता है पहले तो ये पता कर लीजिए आप। जी हाँ मसाला हल्का सा डाल सकते हैं आप, प्याज डालना रहेगा आपको, मिर्ची, नमक,
थोड़ा सा हल्दी, तो ये सारी चीज़ें जब आप डालते हैं उसको अच्छी तरह से फेंट लीजिए। उसके बाद तवा जब भी लेते हैं आप, जी हाँ दोस्तों, तवा का इस्तेमाल जब करते हैं आप भट्टी पर या गैस पे, तो सबसे पहले उस पर क्या कीजिए, थोड़ा सा ऑयल, जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा ऑयल जो है तवे पे लगा दीजिए। सबसे पहला चीज़ ये कीजिएगा, उसके बाद जब आप लगा देते हो उसके बाद ऑमलेट उस पर बनने के लिए डाल दीजिए। तो ऑमलेट जो है आप गोल बनाएंगे, जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको दिखाया है ऑमलेट जो है गोल होना चाहिए। और ऑमलेट में बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि ऑमलेट जो है टूटना नहीं चाहिए। अगर ऑमलेट आपका टूटा तो समझ लीजिए आप लगभग बाहर ही हो गए, क्योंकि आपको यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में चांस नहीं दिया जाता। यहाँ एक ही राउंड होता है और आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको हर राउंड पार करना होगा, पहले राउंड से लेकर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, सिक्स राउंड, और ये सारे राउंड आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना है। जैसे कि आपने अगर आटा सान लिया तो उसके बाद आपको रोटी बनाना है, रोटी बना लिया तो उसके बाद आपको सब्जी बनाना है, सब्जी बना लिया तो उसके बाद आपको चावल बनाना है। तो अगर आप दो तीन काम लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप पास होते जा रहे हैं दोस्तों, और आपका सिलेक्शन 101% श्योर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको जो स्टेप बाय स्टेप करना है। मैं और भी चीज़ें बता देता हूँ, सब्ज़ी बनाने का भी मैंने बता दिया कि आपको सब्ज़ी में क्या क्या बनाना होगा। उसमें आपको देखिए लौकी बनानी पड़ेगी, दूसरा भिंडी की सब्ज़ी, सलाद काटना, ये सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम चावल की। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई लेडीज़ कैंडिडेट है यानी कि कोई महिला अगर सहभागी है तो उनसे जो है काम ज़्यादा लिया जाता है, यानी कि आपको जैसे रोटी बनाने के लिए दिया जाएगा, सब्ज़ी बनाने के लिए, लेकिन लेडीज़ को क्या है, दो से तीन काम देते हैं। लेडीज़ को देखिए दाल बनाने को लिए दिया जा सकता है, दिया जा भी रहा है दोस्तों, ये दिया जा सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपका जो है आसनसोल और इसका चालू हो रहा है, तो आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हो सकती है, हैपन्स, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस समय बता रहा हूँ। तो आपको दाल बनाने के लिए दिया जा सकता है लेडीज़ को, क्योंकि कपूरथला और दिल्ली में ये सब दिया गया है। जो हाँ दोस्तों, ये एक्सपीरियंस वीडियो का अर्थ यही है कि जो चीज़ हो चुकी है हम वही चीज़ आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप जिनका बाकी है वो इस चीज़ सीखे कि आपको दाल बनाने के लिए दिया जाएगा, चावल बनाने के लिए दिया जाएगा। ये लड़कियों को दिया जाता है दोस्तों ज़्यादातर काम, क्योंकि लड़कियों को क्या है, ऑलरेडी खाना बनाने को काफ़ी माहिर होती है, उन्हें रोटी बनाना काफ़ी अच्छे से आता है। तो जो चीज़ें टफ़ होती हैं लड़कियों के लिए वही चीज़ें दी जाती है, जैसे दाल चावल सब्जी बना रहे हैं उनसे और पकोड़े छनवा रहे हैं, तो पकोड़े बनाना यानी आपको बेसन का इस्तेमाल कितना करना है, बेसन ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मोटा हो गया तो आप समझ ही सकते हैं कि आपका पकोड़ा ख़राब हो जाता है। तो ये बेसन से जो इस्तेमाल किया जाता है ये सब लड़कियों को काम दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है टेस्ट में, अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से बारीकी से प्रैक्टिस करते हैं और पर डे प्रैक्टिस करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। और इसी प्रकार से दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो को भी देखिएगा जरूर, क्योंकि अनुभव से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए अनुभव के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, गुड नाइट।